नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे डेफकॉट 6mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इस टैबलेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं और किस तरह के पेशेंट को ये टैबलेट डॉक्टर देते हैं और पेशेंट को लेते समय इस मेडिसिन को क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो गाइज ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कभी भी किसी प्रकार का खुद से कोई मेडिकेशन ना करें, किसी भी तरह की मेडिसिन खुद से ना लें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे नए मेहमान हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी आपको मिलती रहे। और जब वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तब इसे शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं ये डेफकॉट 6mg के नाम से टैबलेट आती है मार्केट में। दवाई अपने जेनरिक नाम डेफ्लाज़ाकोड टैबलेट 6mg के नाम से आपको मिल जाती है और इसके साथ ही ये अपने ब्रांडेड नाम डेफकॉट 6mg डेफाकॉड कॉर्टीमैक्स टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों ये अपनी डोजेस फॉर्म में अलग अलग आती है, यानी ये सिरप की फॉर्म में भी आती है और इसके साथ ही ये टैबलेट की फॉर्म में भी आती है। तो ये अपनी अलग अलग डोजेस फॉर्म में हो जाती है, सिरप की फॉर्म में और टैबलेट की फॉर्म में। इसके साथ ही ये अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है, जैसे कि 1mg में भी ये आपको मिल जाती है, 6mg में मिल जाती है और इसके साथ ही 18mg में भी आपको मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पिक्चर में मैंने 6mg और 18mg टैबलेट को लिया है ताकि आप इसको देख सकें और ईज़िली समझ सकें। तो दोस्तों जान लेते हैं इस मेडिसिन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके फ़ायदे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन के जो फ़ायदे होते हैं, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसुपरसेटिव ड्रग है जो कि बहुत ही फ़ायदा करता है ऐसे पेशेंट को जिनको कि अस्थमा की समस्या रहती है या जिनको कफ रहता है, पुरानी खांसी हो जाती है, लंग्स की एलर्जी हो जाती है या इनके पेशाब में ब्लड जाने लगता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी पर, और जिनको गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या रहती है, किडनी की सूजन हो जाती है, यूरिन में पेन होता है, यूरिन करते समय व्यक्ति को पेन होता है पेशेंट को, तो इस तरह की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, बहुत अच्छे जो है उनको फ़ायदे देती है, काफ़ी उनको रिलीफ करती है, जो कि इम्यूनो सिस्टम को जो वीक होता है उसको बूस्ट करने का काम करती है। दोस्तों इसके साथ ही ये स्किन से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है, स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और जो स्किन पर ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये फेशियल स्वेलिंग वगैरह किसी पेशेंट को हो जाती है तो उनको काफ़ी अच्छा काम करती है और इसके साथ ही आर्थराइट्स प्रॉब्लम हो जाती है किसी पेशेंट को, जिसमें कि जॉइंट पेन वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने इसके फ़ायदे के बारे में बात करी, अब थोड़ा सा इस मेडिसिन की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों डेफ्लाज़ाकोड टैबलेट के नाम से ये अपने जेनरिक नाम से दवाई आपको मिल जाती है, एक प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है, रेड स्ट्रिप वाली मेडिसिन है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है। ये अपने ब्रांडेड नेम डेफकॉट 6 के नाम से आप देख रहे हैं, जो कि मैकलियोड्स कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। 6 जो है स्ट्रिप इसमें पैकेट में आते हैं, तो ये मैंने पूरा पैकेट का यहाँ पर इमेज लगा दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम सिंगल स्ट्रिप के केस में बात कर लें तो इसमें साल्ट डेफ्लाज़ाकोड हो जाता है। डोजेस फॉर्म इसकी अलग अलग हो सकती है, ये 1mg हो सकता है, 6mg हो सकता है और इसके साथ 18mg भी हो सकता है। तो ये जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उतनी डोजेस फॉर्म हो जाती है।
दोस्तों यहाँ आप इसको टैबलेट की फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ हमने पिछली वीडियो में हमने इसके सस्पेंशन की फॉर्म में वीडियो बनाई थी, सस्पेंशन की फॉर्म में बात की थी, यहाँ आप इसको टैबलेट फॉर्म में देख रहे हैं। तो इसकी जो टैबलेट होती है, जो डोज होती है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। मैक्लिडियोर्स कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, डेफकॉड 18 के नाम से ये मिल जाती है। दोस्तों ये भी एक ब्रांडेड मेडिसिन है जो आप यहाँ स्ट्रिप देख रहे हैं, ये अपने डेफकॉड नाम से है। यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क है, ये 6 mg में है और ये 18 mg में है। तो ये डेफकॉड के नाम से आपको मिल जाती है। इस तरह से इस मेडिसिन के बहुत सारे ये फ़ायदे हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसको लेने के बाद हो सकता है किसी पेशेंट का जो गाल है वो फूलने लगें, यानी लटकने लगें। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप दवाई लेने के बाद मोटे हो रहे हैं, तो मोटा नहीं होना है, बट इसका जो है एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसमें कि चेहरे पे जो गाल हैं पेशेंट के वो लटकने लगते हैं, उनके मतलब गाल बड़े बड़े फूलने लगते हैं। इसके साथ ही पेशेंट वेट गेन करने लगता है, यानी उसका वजन जो है वो बढ़ने लगता है। इसके साथ ही पेशेंट का जो भूख ज़्यादा लगती है, खाना जब ज़्यादा खाता है तो उसका वजन भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से उसको भूख बहुत लगती है। तो कुछ एक साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसके पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। जनरली ये साइड इफ़ेक्ट सभी पेशेंट में नहीं मिलते हैं, बस कुछ पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके डोज़ की, तो ये हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, उसकी बीमारी को देखते हैं, इसके बाद ही डोज़ को जो है रिकमेंड करते हैं। तो हमेशा ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार हो जाती है, डोज कभी भी आप खुद से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों बच्चों के केस में और बड़ों के केस में, दोनों ही केस में डोज हमेशा डॉक्टर जिस तरह से देते हैं उसी तरह से आपको यूज़ करनी है। और इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां यहां पर रखनी होती हैं, कुछ ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। दोस्तों अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तब पहले अपने डॉक्टर को बता दें। इसके साथ ही अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तब अपने डॉक्टर को बता दें। इसके साथ ही अगर आपको पहले कभी हार्ट की कोई समस्या हुई है यानी, तो इसके लिए भी पहले डॉक्टर को बताना ठीक रहता है। दोस्तों इसके साथ ही कुछ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनको ये टैबलेट डॉक्टर दे रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बता दें कि सर मुझे इस समस्या से ग्रसित हूँ या ये सारी मेडिसिन मेरी चल रही है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर जो है इन सभी चीज़ों को डायग्नोस करने के बाद इनकी डोज को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, जिस मेडिसिन से, उसको अवॉइड करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो में इस डेफलस्कोड टैबलेट के बारे में जानकारी दी है तो वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं और इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूट्यूब चैनल, जिस पर हम दवाइयों के बारे में ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी खुद से कोई दवाई ना लें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय हिंद।